A very warm good morning, everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EBS teacher. Yes, students, we read lesson 1, My Family. What is the name of lesson 1? My Family. We have completed this lesson, okay? तो हमने इस लेसन में बेटा आज हम एक बार रिपीट करेंगे हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने रीड करा फैमिली. व्हाट इज फैमिली? फैमिली क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर. वो परिवार, वो ग्रुप, लोगों का समूह, वो ग्रुप जहाँ पर लोगों का एक दूसरे से संबंध होता है, एक दूसरे से रिलेशन होता है और वो सब साथ में रहते हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपके फ्रेंड्स का आपसे रिलेशन है कि वो आपका फ्रेंड है तो आप साथ में रह रहे तो वो फैमिली बन गई. नहीं, फैमिली मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जिनसे हमारा ये रिलेशन होता है और हम साथ रहते हैं तो वो हमारी क्या बन गई? फैमिली. देन मैम ने आपको बताया था न्यूक्लियर फैमिली. अभी हमने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में रीड किया. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर. पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. एंड व्हाट न्यूक्लियर? मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर फैमिली का कि पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. इसमें को भी मैम ने आपको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली. स्मॉल में पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन एंड बिग फैमिली में पेरेंट्स एंड देयर टू से ज्यादा, मोर चिल्ड्रन, मोर ऑफ टू चिल्ड्रन, मतलब टू से ज्यादा बहन भाई होते हैं तो वो क्या कहलाती है? बिग फैमिली. क्लियर? मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को. प्लीज बेटा वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा रिपीट कर करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ओके, एक मैम ने बताया था आपको जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या होती है? जहाँ हमारे दादाजी, दादी जी, चाचू, चाची, बुआ या ताई जी, ताऊ जी, मतलब जो भी हैं फैमिली मेंबर्स, पापा, मम्मी और हम सब बच्चे साथ में रहते हैं, हमारे कजिन्स वगैरह, तो वो होती है हमारी जॉइंट फैमिली. क्लियर? हमें फैमिली क्लियर हो गई, हमें जॉइंट फैमिली क्लियर हो गई, हमें न्यूक्लियर फैमिली क्लियर हो गई. उसमें भी हमने स्मॉल फैमिली क्या होती है एंड बिग फैमिली क्या होती है, ये सब हमें क्लियर हो चुका है. मैंने आपको ये भी बताया था कि पैटर्नल क्या होता है एंड मैटर्नल क्या होता है. पैटर्नल पापा, मीन्स पापा वाले साइड, इट मीन्स ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, कौन है? दादा दादी. एंड मैटर्नल साइड भी, मतलब मैटर्नल मदर, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, नाना, नानी. क्लियर एवरीबडी? यस, मदर्स चाइल्डहुड, मम्मी का बचपन, ये भी हम कर चुके हैं. तो इस तरीके से अब हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है. ये वाला वर्ड मैम ने आपको कल होमवर्क में दिया था, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं, ये क्लियर हो गया है. अब आता है एक हमारा, चलिए अब हम पहले देखते हैं, आप देखिए इधर. सबसे पहले तो बेटा आप ये देखिए क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी में क्या क्या है? विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स फिल इन द टेबल, फिल इन दिस टेबल. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इस टेबल को फिल करेंगे. इसमें बेटा मैम ने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फादर एंड मदर. इन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फादर एंड मदर. प्लेस ऑफ बर्थ, आपके फादर कहाँ पर हुए थे? अलवर हुए थे, दिल्ली हुए थे, किसी गांव में हुए थे, जिस भी प्लेस पर हुए थे वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है. और मदर जहाँ हुई थी वो लिखना है. डेट ऑफ बर्थ, फादर का डेट ऑफ बर्थ, पापा का डेट ऑफ बर्थ एंड मम्मा का डेट ऑफ बर्थ. स्कूल, पापा कौन से स्कूल में पढ़े थे, मम्मा कौन से स्कूल में पढ़ी थी. ये बहुत अच्छी जीके है, आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे पेरेंट्स कौन से स्कूल में पढ़े थे, उनकी बर्थडे कब आती है, कौन से कॉलेज में पढ़े थे, कहाँ हुए थे. तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज की है, ये बहुत ज़रूरी है. कॉलेज, पापा कौन से कॉलेज में पढ़े हुए हैं, मम्मा कौन से कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, आपके फादर का क्या नेम, फादर्स नेम, आपके पापा का क्या नेम है, आपकी मदर का क्या नेम है, मदर्स नेम, ये लिखेंगे. देन ग्रैंडफादर्स नेम, आपके दादाजी का क्या नेम है, इधर आप ये लिखेंगे ग्रैंडफादर का नेम
और इधर मदर वाली साइड में यहाँ दादाजी का नेम लिखा और यहाँ मदर वाली साइड में ग्रैंडफादर कौन हो गए, नानू, आपके नाना का नेम लिखना है। ग्रैंड मदर्स नेम, फादर की साइड में हम दादी का नेम लिखेंगे एंड इधर नानी का नेम लिखेंगे मदर्स की साइड में। सिस्टर्स नेम, पापा की सिस्टर कौन है, बुआ, तो आप यहाँ उनकी सिस्टर का नेम लिखेंगे। और मदर की सिस्टर कौन है, मौसी, तो आप उनका नेम लिखेंगे। ब्रदर्स नेम, फादर के ब्रदर कौन है, आपके चाचू या ताऊजी, आप उनका नेम लिखेंगे। मदर्स में उनके भैया कौन हैं, आपके मामा, तो आप उनका नेम लिखेंगे। क्लियर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, करने में बहुत मजा आएगा, तो ठीक है, यस वी कैन डू इट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। अब हमारे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर। हम क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिख करेंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेयर डेट 15th July 2020, ओके। देन यू राइट हेयर क्लास वर्क CLASSWORK क्लास वर्क। देन लेसन, कौन सा लेसन है ये हमारा, लेसन वन। देन क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्लियर। क्वेश्चन वन, व्हाट इज ए फैमिली, WH फर्स्ट वर्ड इज अ कैपिटल, क्लियर। देन यू गिव वन फिंगर गैप एंड यू राइट हेयर व्हाट इज अ फैमिली, FAMILY, फैमिली। फैमिली क्या होती है, देखिए बेटा, सी हेयर, हमने ये रीड किया था, आप देखिए फर्स्ट पेज पे ये क्लियर बता रखा है, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। अ फैमिली, FAMILY, फैमिली इज IS इज अ ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ पीपल, PEOPLE, पीपल हु आर, WHO, who, RARER, related, RELATED,